जय हिंद आप सभी को। आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 30 दिन बाद होने वाला है, तो इन 30 दिन के लिए 30 टास्क मैंने डिज़ाइन करे हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये 30 टास्क कंप्लीट कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको डेली बेसिस पे जो इनसिक्योरिटी होती है, सेल्फ डाउट होता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिर्फ इस एंग्जाइटी की वजह से आप अपना 100% क्या अपना 50% भी नहीं दे पाते हो। पूरा का पूरा दिन इस तरह से निकल जाता है ये सोचने में कि क्या पढ़ लूँ मैं, सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम इतना सा बचा है, कैसे इसको मैनेज करूँ, मैथ्स ही पढ़ूँ पूरा दिन, रीजनिंग पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, नहीं समझ में आता। तो आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं टास्क जो कि मैं आपको हर दिन दूंगा, हर दिन नहीं, 1 हफ्ते के 7 में टास्क आपको दूंगा और 1 हफ्ते बाद मैं आपसे रिव्यू लूंगा कि क्या आपने ये टास्क कंप्लीट किए। अगर ये 30 टास्क आपने कंप्लीट कर लिए तो आपने जितना अब तक पढ़ा है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आपको फुल टेस्ट कब देना है ये आपको मैं बताऊंगा। आपको बस अपना दिमाग कुछ नहीं चलाना है कि किस दिन मैं क्या पढ़ूं, जो मेरे टास्क में लिखा होगा बस आपको वो कंप्लीट कर लेना है। और आपको पहले टास्क कंप्लीट करने से ही आपको महसूस होगा कि हाँ आज मैंने कुछ पढ़ाई की है, तो ये चीज़ सोच के आपको चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे 30 टास्क आपको दूंगा मैं, तो आज मैं 7 टास्क दे रहा हूँ, ये 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक के टास्क होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टास्क हैं वो मैं आपको टेस्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे देने वाला हूँ। यही मैंने क्यों चूज़ किया, ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं भी इसको यूज़ करता था और शायद 90% से ज़्यादा बच्चे टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ही यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे सस्ती होती है और सभी PYQs इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो कोई प्रमोशन नहीं है, आपके पास पहले से ही होगी क्योंकि किसी के पास कोई बुक होगी, किसी के पास कोई PYQ होगा, तो सभी के लिए मैं एक साथ डिज़ाइन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने टेस्ट बुक से ही डिज़ाइन किया है। मतलब टेस्ट बुक के ऊपर जितने भी टेस्ट हैं मेरे टेस्ट के अंदर ही सारे कवर हो जाएंगे। मतलब साइंस के अंदर जैसे देखा जाए सेक्शनल टेस्ट, लेटेस्ट, TCS एग्जाम, साइंस स्पेशल, फाउंडेशन सीरीज, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, PYCT, ये सब इस तरह के टेस्ट अवेलेबल है RRB JEE। आप इसके अंदर टेस्ट सीरीज सर्च करोगे टेस्ट बुक पे तो ये सब आपको मिल जाएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने हर दिन टास्क अरेंज टास्क बनाए हैं जिसके अंदर इनमें से कुछ चैप्टर टेस्ट मैंने अरेंज किए हैं, वो भी आपको देखने में मिल जाएंगे। तो बस मैंने इस पूरी टास्क का एम है कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं मैथ से, तो मैथ के टास्क से स्टार्ट करते हैं। ये आपके 7 टास्क हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। ये आपका 11 नवंबर से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थोड़ा पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मैथ्स के अंदर कुछ इस तरह के टेस्ट आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है टेस्ट बुक के ऊपर। उसमें सेक्शनल टेस्ट है, लेटेस्ट TCS एग्जाम 2024 है, फाउंडेशनल सीरीज है, चैप्टर टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट है, PYCT, CBT 1, ऐसे करके आपको कॉलम्स मिल जाएंगे जिसके अंदर अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे सेक्शनल टेस्ट में 5 टेस्ट दिए हुए हैं, 30 क्वेश्चन पर टेस्ट। ऐसे ही ये 53 टेस्ट दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन पर टेस्ट। फाउंडेशनल में 57 टेस्ट है, 10 क्वेश्चन पर टेस्ट। अब इसके अंदर अलग अलग टॉपिक के टेस्ट हैं तो इनको मैंने अरेंज किया है ताकि हर दिन आप इस तरह से पढ़ाई करो, कोई चीज़ रिपीटिशन ना हो और हर चीज़ का आपका रिवीजन हो जाए। इस तरह से मैंने चीज़ों को अरेंज किया है, काफ़ी टाइम लगा है लेकिन आप खुद से भी कर सकते थे इसको। लेकिन जब एक रेंडमली मैं आपको टास्क दूंगा तो उसे करने में आपको मज़ा भी आएगा, खुद से सोचना नहीं पड़ेगा कौन से मैंने टेस्ट कर लिया है या मुझे कौन सा करना है। बस जो मैं आपको एक लिमिट बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको करना है, बस वो चीज़ आप कर लेना सुबह शाम तक। स्टार्ट करते हैं मैथ्स के टेस्ट से। तो मैंने एब्रीवेशन लिख दी है, सेक्शनल टेस्ट को मैं SECTE लिखूंगा, लेटेस्ट TCS एग्जाम को LTE, फाउंडेशन सीरीज को FS, चैप्टर टेस्ट को चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट को ST और PYCT को PYCT, ये आप देख लेना। ठीक है, मैथमेटिक्स तो इसके अंदर लेटेस्ट TCS एग्जाम टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, फाउंडेशनल सीरीज, सब्जेक्ट टेस्ट। तो टास्क 1, जैसे टास्क 1 आपका ये है, इसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 10-10 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना, जो ये आपके टेस्ट हैं तो आपको एज अ टेस्ट आप दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है टेस्ट देने में टाइम लग रहा है तो टेस्ट जब ओपन करो तो तुरंत सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ओपन करना, फिर से पहला क्वेश्चन देखना, सोल्व करना,
सॉल्यूशन देखना आगे बढ़ना, दूसरा क्वेश्चन करना सॉल्यूशन देखना आगे बढ़ना। सिर्फ टेस्ट की तरह से दोगे तो कई बार टाइम लग जाता है ज़्यादा, इस तरह से करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और एक क्या होता है, टेस्ट हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं फिर उसका सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो उस चीज़ से भी आप बच जाओगे। तो जितने भी टेस्ट हैं सबको सबमिट कर देना और उसके बाद टेस्ट देना। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर जो आपके 80 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 60 टेस्ट है अगर ये, तो इन 7 में से 60% आप सबमिट करके दे देना, 40% आप डायरेक्ट टेस्ट की तरह दे देना, क्योंकि एक तैयारी भी आपकी होगी एक टेस्ट देने की इससे। ठीक है, पहला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं सिंपल आपको बता दूंगा। चैप्टर टेस्ट 1, चैप्टर टेस्ट 2, ऐसे ही चैप्टर टेस्ट जो वहाँ पर अवेलेबल है उसके अंदर चैप्टर टेस्ट 26 और 27 आपको करना है। ऐसे ही फाउंडेशनल सीरीज में से चैप्टर टेस्ट 56 और चैप्टर टेस्ट 57 करना है, और सब्जेक्ट टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, सब्जेक्ट टेस्ट 1 आपको करना है। तो देखा जाए तो 10 20 30 40 50 60 70 80 80 क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स के कल की डेट में आपको 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये सिर्फ 80 क्वेश्चन है, आप खुद से करते शायद ज़्यादा करते कम करते, लेकिन एक एक पैटर्न ना बना पाते आप कि कभी आपने कुछ कर दिया, मतलब उसमें भी आपका टाइम लग जाता, तो आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर टेस्ट में बता रहा हूँ ये आपको कंप्लीट करने हैं, एटलीस्ट इतना तो आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग सिमिलरली जैसे मैथ्स का था ऐसे ही है। टास्क 1, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17। तो चैप्टर टेस्ट 1 और 2 करना है इसके अंदर। LTE सीरीज में से चैप्टर टेस्ट 26, 27 करना है, और फाउंडेशनल सीरीज में से 47 और 48 करना है। ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज ओपन करोगे। और सब्जेक्ट टेस्ट 1 करना है, इसके अंदर 20 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर फाउंडेशनल सीरीज आपको मिलेगी और चैप्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, ठीक है। एक सेकेंड, तो फाउंडेशनल सीरीज जो है, ठीक है, उसके अंदर 82 टेस्ट है और हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। तो सभी के मैंने दो दो टेस्ट लिए हैं ताकि हर दिन आपकी डेली, मतलब हर दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए हर एक सब्जेक्ट की। तो सिमिलरली हिस्ट्री, हिस्ट्री में फाउंडेशनल सीरीज और चैप्टर टेस्ट में से चैप्टर टेस्ट 1 करना है इसका, इसका चैप्टर टेस्ट 18 करना है। सिमिलरली ज्योग्राफी, आप अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, फाउंडेशनल सीरीज का चैप्टर टेस्ट 1 करना है, 39 करना है, 28 करना है और 58 करना है। ऐसे ही चैप्टर टेस्ट सीरीज का आपको 18, 29, 41 और 45, ये सब टेस्ट का आपको करने हैं। मतलब फाउंडेशनल सीरीज के 4 टेस्ट करने हैं, चैप्टर टेस्ट सीरीज के 4 टेस्ट करने हैं, ये 8 टेस्ट आपको ये वाले करने हैं प्लस, ठीक है, प्लस सेप्टेम्बर 2024, एक मंथली करंट अफेयर की सीरीज है उसमें सेप्टेम्बर 2024 का है, उसके अंदर 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। अच्छा, एक और आपको बात समझा दूं मैं, ये 95 क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा, चलो इससे समझा देता हूँ मैं, चैप्टर जैसे ये सेप्टेम्बर 2024 के सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं, क्या ऐसा है कि आपने सेप्टेम्बर 2024 के सिर्फ 15 क्वेश्चन किए तो जितने 15 क्वेश्चन है बस इनमें से ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, आप पूरी GK देखोगे और आप अभी जितना मैक्सिमम भी पढ़ पाओगे इस टाइम में वो इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरी तो बिल्कुल भी नॉलेज कुछ नहीं है और मुझे तो इतना पढ़ना है तो मैं इसको पढ़ू ही ना, तब तो 0 नंबर आने वाले हैं। मैंने क्या किया है, इन सब टास्क से अरेंज की है चीज़ें कि आप एक एक डॉट कहीं कहीं पे लगा पाओ जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो बहुत रिसर्च करते हैं, तो इम्पोर्टेंट के हिसाब से ही बनाते हैं वो। तो मैं आपको ये इस तरह से आपको अरेंज कर दूँ सभी टेस्ट, ताकि एटलीस्ट आप इतना पढ़ लो तो चांसेस बढ़ जाएं कि आपको अगर क्वेश्चन आए तो शायद इनमें से आ जाए। अब अगर जो क्वेश्चन इनमें से भी नहीं आया तो फिर ये सोच लेना कि इतना टफ क्वेश्चन है कि जिसने भी प्रिपरेशन करी होगी वो भी नहीं कर पाएगा, बस ये थॉट प्रोसेस रखना। तो ये सोच के पढ़ना ही ना पढ़ना कि ये तो इतना सा है क्या पता इसमें से आए या ना आए, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो 0, तब तो 0 मार्क्स आने ही है। अब आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस रिस्क पे तो आपको खेलना पड़ेगा कि सितंबर 2024 आप ऐसे का ऐसा छोड़ के चले जाते, उसके बारे में ना पढ़ते, तब तो 0 नंबर आने ही थे, लेकिन आपने ये 15 क्वेश्चन पढ़े, क्या पता इनमें से कुछ आ जाए, बस ये सोच के चलना है आपको।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे 10-20 ऐसे करके 95 क्वेश्चन, तो जीके के 95 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे ही रीजनिंग के 80 क्वेश्चन थे, जीके के 95 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 80 क्वेश्चन। ये 80, 80 और 95 ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, लास्ट हमारे पास है जीएस जनरल साइंस। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एडिशनल ये आपको करने हैं। इसके अंदर चैप्टर टेस्ट वन है, यहाँ पे भी चैप्टर टेस्ट वन सबके अलग अलग दे रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सीरीज है जनरल सॉरी स्पेशल साइंस की, एक मिनट, साइंस स्पेशल, साइंस के अंदर एक सीरीज मिलेगी आपको साइंस स्पेशल। उसके अंदर दो सेक्शन है, एनसीईआरटी और लूसेंट। लूसेंट के अंदर सीटी चैप्टर टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो लूसेंट के अंदर चैप्टर टेस्ट आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों के अलग अलग हैं। तो टास्क वन है, आपको चैप्टर टेस्ट वन करना है फिजिक्स का, लूसेंट का, केमिस्ट्री का चैप्टर टेस्ट वन, बायो का चैप्टर टेस्ट वन, और उसके अंदर एनसीईआरटी 9th ऐसे करके भी कॉलम दे रखा है, तो 9th का चैप्टर टेस्ट वन करना है आपको, और साथ में सब्जेक्ट टेस्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट टेस्ट वन करना है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये 70 क्वेश्चन आपके साइंस के हो जाते हैं, जनरल साइंस के। तो 70 क्वेश्चन ये, तो 80 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 70 ये आपके पास हो गए, तो ये आपके 325 क्वेश्चन हो गए। इतने आपको अभी करने हैं, इसके साथ एक एडिशनल टास्क हो रहे हैं। अब इसमें ये समझो कि आप अपने तरफ से अपनी तरह से जब कर रहे थे आप, तो उसमें भले ही आपने 400 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन क्या आप इतनी वैरायटी रख पा रहे थे? बस टास्क को कंप्लीट करो, आपको वैरायटी भी मिल जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर दिन पेपर सॉल्व कर रहे हो। एक टास्क और है, स्पेशल टास्क है, उसको भी मैं बताता हूँ। तो 325 क्वेश्चन हर दिन के अगर ये आप कर रहे हो तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर 30 दिन तक आपने इस तरह से टास्क कंप्लीट किए, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। ये टास्क वन मैंने आपको बताया, ऐसे ही टास्क टू होगा, चैप्टर टेस्ट टू करना है, टू इस तरह सब्जेक्ट टेस्ट टू, ये मैंने लिख दिया है। एक सिर्फ मैंने बताया है, बाकी सब आप ऐसे समझ सकते हो कि टास्क 7 तक आपको क्या करना है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदर पर भी अपलोड कर दूंगा। ये है 4 टास्क। अब एक मिसलिनियस टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ये ठीक है। टास्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 नवंबर के लिए है ये, ठीक है। टेक्निकल पैकेज पहले भी बता चुका हूँ आपको, टेक्निकल पैकेज क्या होता है। आपके पास PYQs हैं RRB JEE के, जो पिछले साल हुए थे 2019 में हुए थे आई गेस, ठीक है, 2019 का है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाना है, 22 मई का शिफ्ट वन का पेपर को ओपन करना है। अब अगर आपने ये अटेम्प्ट कर रखा है तो शिफ्ट टू का ओपन कर सकते हो, नहीं तो 3 का ओपन कर सकते हो। बस ये आर्गुमेंट, ये आपको नहीं सोचना है कि ये तो मैंने कर रखा है तो ना करूं, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। तो 22 मई का शिफ्ट वन का पेपर ओपन करना है और उसको तभी के तभी सबमिट कर देना है। उसको पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, उसको सबमिट कर देना और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फायदा इससे ये होगा, सबमिट कर दोगे पहले ही तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन करोगे सबके सॉल्यूशन भी देखते हुए चलोगे। नहीं तो 1 से लेकर 100 तक आप कंप्लीट कर दोगे और बाद में आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हो नहीं देख रहे हो, फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, इन सबके तो सही है, जीके में से कुछ करंट अफेयर के जो आप छोड़ सकते हो वो छोड़ देना, लेकिन मैथ रीजनिंग तो करना ही है, साइंस भी करना ही है, ठीक है। बाकी स्टैटिक पार्ट होगा जीके का, वो भी कवर हो जाएगा। तो इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। तो टेक्निकल पैकेज का मतलब यह है कि 22 मई का पेपर आपको सबमिट कर देना है और सोल्व करना है। तो 100 क्वेश्चन और ऐड हो गए, तो आपके 325 क्वेश्चन आपके पर डे के हो गए। अगर आप 425 क्वेश्चन हर दिन कर रहे हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। इसमें से कुछ अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ लेना, लेकिन पूरा दिन आपको मिल रहा है, आपको टेक्निकल अब नहीं पढ़ना है, एक महीना सिर्फ इसको पढ़ना है। पहले इसको इंश्योर करो कि आपका सिलेक्शन हो, तब जाके टेक्निकल पढ़ लेना। ऐसे ही टास्क टू में 12 तारीख को टेक्निकल पैकेज करना है आपको, 23 मई शिफ्ट टू, ये मैंने लिखा है यही करना है। अगर आपने ये किया हुआ है तब आप दूसरी शिफ्ट का कर सकते हो। और 13 तारीख को आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करना है और उसके मार्क्स अपलोड करने हैं इसी वीडियो के नीचे। उसके बाद 14 तारीख को टेक्निकल पैकेज करना है, 24 मई शिफ्ट वन, ऐसे ही 15 तारीख को आपको टेक्निकल पैकेज करना है, 25 मई शिफ्ट टू,
16 तारीख को टेक्निकल पैकेज करना है, 26 मई शिफ्ट वन, और संडे को टास्क 7 में आपको फुल टेस्ट फिर से अटेम्प्ट करना है, फुल टेस्ट वन अटेम्प्ट करना है और उसके मार्क्स अपलोड करने हैं। तो ये थे टास्क जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। अब आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये मैंने 425 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं करने के लिए पर डे। आप पहले ये कंप्लीट करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर ये डेली आप कर रहे हो जाएगा सिलेक्शन। अब दिमाग में ये आ सकता है कि क्वेश्चन से मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने अभी पहले टास्क आपको दिए थे, शायद 50-60 टास्क हो गए थे RRBJEE के, जिसमें आपको मैं बोलता था 10 पेज पर डे के आपको पढ़ने हैं। JK में आपको मैं ये बोलता था, दूसरा सॉरी 5 पेज पर डे आपको पढ़ने हैं JK के अंदर मैं आपको ये बोलता था। और साइंस के अंदर मैंने आपको NCERT के 7th, 8th, 9th और 10th इनके सभी चैप्टर्स दिए थे, एक एक चैप्टर कि आज आपको ये चैप्टर पढ़ना है, आज आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आपने उन टास्क को सीरियसली किया है तो अब ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपको क्वेश्चन से ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज आप ऐड जरूर कर सकते हो, करनी भी चाहिए आपको, कि जो JK वाला पार्ट है आपका, JK वाला पार्ट है, अब नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराए थे, आपने उसी से टास्क कंप्लीट किए होंगे वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो हर एक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन सबके 10-10 पेज पर डे पढ़ना स्टार्ट कर दो। चीज़ें याद हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दिन 10-10 पेज भी करोगे 2 बार पूरा रिविजन हो जाएगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। इकोनॉमिक्स भी हो तो 5 पेज पर डे सिर्फ पढ़ ही लेना, भले ही याद ना हो, चीज़ें याद क्वेश्चन करने से हो जाएंगी। तो ये आपको पूरा मैंने पूरे दिन का टास्क मैंने आपको बता दिया। अब कल को उठ के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार आज क्या पढ़ाई करनी है, टास्क वन है कंप्लीट करना है और शाम को अपडेट करना है टेलीग्राम पर और इस वीडियो के नीचे कि टास्क वन कंप्लीटेड। टास्क 1 से लेकर 7 तक मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने कंप्लीट किए हैं। अगर ये आप लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा रही कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो फिर टास्क 8 से आगे वाले टास्क आपको मिल जाएंगे। अगर मुझे लगेगा आप नहीं कर रहे हो टास्क कंप्लीट तो फिर इन टास्क को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। अगर आप इन टास्क को कंप्लीट करोगे तो आगे वाले टास्क भी आएंगे। और अगर आपने 30 दिन ये टास्क कंप्लीट कर दिए 500 क्वेश्चन के आसपास अगर आप पर डे कर रहे हो तो कोई रोक ही नहीं सकता है आपका सिलेक्शन। तो ये तरीका है पढ़ने का, अभी आपको रिवाइज इस तरह से ही करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।